लौट आया कांग्रेस का बब्बर शेर, शिवराज की उड़ी ने भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बताते चले, इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस समेत कई पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई है। चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस वक्त राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वही कांग्रेस मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इस चुनाव में भाजपा अपने विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं को लेकर सरकार रिपीट करने की कोशिश करेगी, वही कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार के बीच जाएगी। इस बीच ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह इस चुनाव में अहम भूमिका अदा करेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कांग्रेस इस बार सत्ता में काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। राहुल गांधी पहले ही राज्य में भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। इस बीच अब मैदान में दिग्विजय सिंह को उतार कर बड़ा दांव खेला जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों मतदाताओं को रिझाने के लिए फरवरी में अपना पहला मेगा पावर शो शुरू करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपना हाथ से हाथ मार्च निकालेगी, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। वहीं भाजपा पर फरवरी से अपनी विकास यात्रा शुरू करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह दो बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कद काफी बड़ा माना जाता है। वह भी लगातार राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते रहते हैं। इस बार भी अगर उनकी एंट्री होती है तो राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा जाएगी। ऐसी आशंका है कि भारत जोड़ो यात्रा इस महीने के अंत तक जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाएगी। इसके बाद दिग्विजय सिंह एमपी विधानसभा चुनाव की बागडोर संभालेंगे। राहुल गांधी भी इस चुनाव में सक्रिय नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।